एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। भोपाल के नरेला विधानसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारण के लिए वोट मांगती नजर आई। ईरानी ने कहा, नरेला बदल रहा है, अगली बार हम यहां 8 लेन रोड पर मिलेंगे। नरेला विधानसभा के करोंद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 2008 से 2023 तक 15 साल के अंतराल में वही कैंडिडेट रहा है, लेकिन बदला तो नरेला। पहले से नरेला बहुत जगमगाने लगा है। मैंने विश्वास सारंग से कहा, आप तो जीत रहे हो तो मैं क्यों आऊं। उन्होंने कहा कि जब कोई भारी युद्ध में जाता है तो बहन ही तिलक लगाती है जीत का। विश्वास सारंग यहां के लोगों को सिर्फ महाकाल ही नहीं, अब आप अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कराओगे। 17 को बीजेपी का बटन दबाओ, विश्वास सारंग भैया को जिताओ और फिर महाकाल के बाद रामलला के भी दर्शन करो। पहले यहाँ टैंकरों से पानी आता था, अब यहाँ एक एक घर नर्मदा का पानी आ रहा है। जो गांधी खानदान कहता है रामलला का अस्तित्व नहीं है, आज उनके बेटा बेटी मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ की रोड को 4 लेन से 8 लेन बनाने का विश्वास भैया ने वादा किया है, तो फिर अगले चुनाव में 8 लेन रोड पर मिलेंगे। से ही 50 किलोमीटर दूर रामलला विराजमान है अयोध्या में। श्री राम भैया से कहने आई हूँ कि 17 तारीख को ये सब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विश्वास को जिताएंगे और फिर विश्वास जी के विश्वास पर मात्र महाकाल नहीं अयोध्या जी भी जाएंगे। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।